हाय, वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज मी जोशी सर एंड वार्म वेलकम टू सक्सेस इन एजुकेशन। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 10th पैटर्न एंड डिप्लोमा पैटर्न। मतलब जब 10th तक हम लोग कुछ पढ़ते थे एंड डिप्लोमा में हमें कुछ पढ़ना है, इंजीनियरिंग में हमें कुछ पढ़ना है, तो क्या जैसे बचपन से हम लोग आए वही पैटर्न के साथ हमें आगे जाना है? तो हमें पता है वो कौन सा पैटर्न है, तो वो पैटर्न का नाम है जिसे हम लोग जनरली कहते हैं व्हाट इज दैट टाइटल, इट इज कॉल्ड एज एन रट्टा। मैंने देखे हैं बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 10th तक आए हुए, उन्होंने यही कंसेप्ट किया होता है जिसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं रट्टा। रट्टा मतलब याद करना। और जब हम लोग डिप्लोमा कोर्स में स्टार्ट करेंगे तो आप सभी से ये दो लेटर्स जानने की बात करूंगा। दो लेटर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। क्या कोई बच्चा कोशिश कर सकता है ये दो लेटर्स का मीनिंग क्या होगा, विच इज रिक्वायर्ड इन अवर इंजीनियरिंग टू स्टार्ट विथ अवर कोर्स, टू स्टार्ट विथ अवर सब्जेक्ट? अगर सोच सकते हैं तो यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। डब्ल्यू एंड एच दोस्तों, शायद कोई पुराना स्टूडेंट है, आई थिंक अपना थर्ड ईयर का एक बच्चा है, उसकी सिस्टर है ना, आई थिंक दीक्षा, यू आर द सिस्टर ऑफ हर्ष ना? या बिकॉज वो एक पुराना भी रिलेशन हो गया, सारे बच्चे ऐसे फैमिली के साथ कनेक्टेड होते। कोई भाई थर्ड ईयर में पढ़ता है, कोई डिग्री में होता है, छोटी बहन पिछले कोर्स में होती है, या कोई बड़ी बहन आगे होती है, भाई साहब पीछे होता है। बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड आंसर फॉर योर इंटरेस्ट फॉर डब्ल्यू एंड एच के लिए। तो दोस्तों, ये डब्ल्यू का मतलब है व्हाई एंड एच का मतलब है हाउ। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप इन द इंजीनियरिंग कोर्स, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप इन अवर डिप्लोमा कोर्स। एंड यहीं पे आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, वो काम करना है ये दो वर्ड्स का मीनिंग समझना है। तो आप शायद सोचेंगे इस वर्ड को क्या कहना है, व्हाट इज यूज ऑफ दिस वर्डिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट पार्ट। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में कहता हूँ, थोड़ा बुरा मत मानिए, मैंने हमेशा अपने स्टाफ को भी कहता हूँ कि आप ऐसे लैंग्वेज में सारे पेरेंट्स से बात कीजिए तो अच्छा होता है, सभी तक वो मैसेज पहुंच जाता है। बिकॉज वी से व्हाई एंड हाउ, इसका बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है। मतलब अगर हम स्कूल लेवल में जाते हैं, स्कूल में हमने पढ़ा है कि ऐसे कुछ पढ़ा था, याद है व्हाट आई एम शोइंग टू यू? कैन यू कोरिलेट, क्या आप इसका रिलेशनशिप कुछ डेवलप कर सकते हैं जो अब तक हमने साइंस में 10th में पढ़ा था टू व्हाट आई एम शोइंग टू ऑल ऑफ यू? देखिए, मैं छोटा सा पेन है, इसे रिलीज करता हूं कि नीचे गिरता है, एनीवन कैन टेल यू? यस, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल ऑफ एन बॉडी। तो दोस्तों मुझे बताइए, न्यूटन ने, भाई साहब ने, मैं उसे भाई साहब कहता हूँ प्यार से, कॉलिंग न्यूटन एज एन भाई साहब, सो न्यूटन हैज इन्वेंटेड दैट पार्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। जस्ट लेट मी नो, बिफोर न्यूटन, जब तक न्यूटन ने इन्वेंशन नहीं किया था, क्या तब तक तो कोई चीज ऊपर से नीचे नहीं गिरती थी? गिरती थी ना। बट न्यूटन वॉज दैट फर्स्ट पर्सन हु हैज आइडेंटिफाइड, हु हैज ऑब्जर्व व्हाई इट मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाई फॉल्स लाइक दिस, फ्री फॉल क्या है? बिकॉज उसने सोचा व्हाई एंड देन ही हैज एंटर्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड एच, हाउ। श्योर, अब इसका एक सिंपल डेमो, प्रैक्टिकल एग्जांपल आप सभी के साथ लेना चाहेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग सम आंसर्स फ्रॉम योर साइड। एंड इसके लिए दो ऑप्शन है, एक आप चैट में डाल सकते हैं, इट इज अलाउड, यू कैन अनम्यूट योर सर, आप अनम्यूट, वहां पे मैंने सबको अनम्यूट करके रखा है, अभी आप म्यूट पे है, मैंने सर्वर से सबको अनम्यूट पे रखा है, तो आपको जस्ट बटन प्रेस करना है, आपका माइक ऑन हो जाएगा एंड आप आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज दैट पार्ट? तो आइए दोस्तों थोड़ी सी बातें करते हैं, व्हाट इज दैट कंसेप्ट। तो दोस्तों, जब हमने लिखा था ए प्लस बी ब्रैकेट्स वन, जस्ट मुझे पता है ये दिख रहा है आप सभी को, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, आर यू ऑब्जर्विंग ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर? व्हाट इज दैट आंसर फॉर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर? इट इज ए स्क्वायर प्लस टू
AB plus B square. Sure? This is a standard formula what is known to all the students. Please reply me, do you know this formula? तो आप यस डालिए, अगर आपको नहीं है फॉर्मूला पता तो नो डालिए, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड टू सी योर रिस्पॉन्सेस फ्रॉम योर साइड. श्योर, आई एम ऑलमोस्ट ऑब्जर्विंग 20 to 23 मेंबर्स आर देयर इन द सेशन, ट्राई टू पुट मोर रिस्पॉन्सेस. थैंक यू. तो दोस्तों बात यह है कि हमने देखा ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सेम फैशन में हम लोग आगे आए, हमने लिखा a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सही है. थैंक यू दोस्तों फॉर रिस्पॉन्सेस. तो हमने ऐसे फॉर्मूलाज लिखा. श्योर, ऐसे फॉर्मूलाज करते करते मैं बहुत कुछ लिखने वाला हूँ यहाँ पे, प्लीज ऑब्जर्व कीजिए. इट इज ए प्लस बी द क्यूब, इसे लिखते हैं ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब. सेम फैशन में दोस्तों हम लोग a माइनस बी द क्यूब भी लिख सकते हैं. इट इज ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब. तो आप सोच रहे होंगे कि व्हाट सर इज इंटरेस्टेड टू डिस्कस विद अस. तो दोस्तों क्वेश्चन आगे है, पहले मैंने आंसर दिया आपको. दीज आर द फोर डिफरेंट थिंग्स व्हाट हैव बीन डिराइव्ड एंड शोन टू अस. पक्का? अभी मैंने रब किया है उसे, बिकॉज अभी मैं आपसे पूछने वाला हूं. मैंने हमेशा देखिए बच्चों से एक सिंपल काम होता है, मैं सारे बच्चों को अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करता हूं, उन्हें एक ही काम करता हूं. वैसा एक ही चीज आपको करना है और आपको पूछना है व्हाई. और अगर आप नहीं पूछते तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाई. सही बात है. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यह है, Why the formulas are in this fashion? ये formula ऐसे क्यों है? What is the logic जिसके साथ हम लोग ने formula derive किया है? क्या हमें ये logic पता है? या हम लोग ये कहेंगे कि sir नहीं, madam ने या sir ने formula दिया था, he has dictated us the formula और he has written the formula on the board, we have noted down the formula and हमने उसे याद किया and we have studied it as an formula. Please tell me if you know the logic, put in the chat yes I know. Yeah, you can raise your hand. Or if you don't know the logic, don't be ashamed. Koi galat baat nahi bhai sahab, bindaas dalo sir. No sir. Sure, main hamesha bachcho se puchta hu, do hi cheeze hongi, ek hoga everybody matlab apne se answer aayega aur dusra hoga joshi badi matlab main answer dunga. लेकिन कोई ना कोई तो आंसर देना चाहिए ना भाई साहब. आप समझ में आ रहा है आप सभी को? मतलब बहुत टाइम होता क्या है, कोई हमें फॉर्मूला देता है, हम लोग उसको फॉर्मूला करके यूज करते हैं. श्योर, एंड उसका यूज करके हम लोग आगे चलते हैं. वो कंसेप्ट क्या है वो हमें पता होना चाहिए. एंड मैं आपको बता सकता हूं, आई कैन अश्योर यू दिस इज माई 22nd बैच. अब तक सिर्फ मुझे मैक्सिमम 4 या 5 ही बैच में मैक्सिमम दो या तीन लोग मिले थे, बच्चे मिले थे, दे आर इन अ पोजिशन टू आंसर दिस क्वेश्चन. बिकॉज दोस्तों होता क्या है, 10th तक के लेवल में किसी को बुला कहने की बात नहीं है, 10th तक के लेवल में होता क्या है, हमें बताया जाता है कि भाई आप छोटे बच्चे हैं, आपको ये बताया गया है, नोट डाउन दिस पार्ट, नोट डाउन दिस फॉर्मूला, ये ऐसे ही होता है. You are not a scientist, science invention नहीं करना है, इसे नोट करो, इसे अप्लाई करो, आगे चलो. बट इट इज नॉट ए केस विद अवर इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग में ऐसे रट्टा मार के, अभी जो मैंने रब किया, ऐसा रट्टा मार के आगे जाएंगे तो दोस्तों हमें तकलीफ होगी, हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे, हम लोग एक लेवल तक जाके वहां पे अटक जाएंगे. इसलिए हमेशा मैंने क्या बोला, सर से पूछो या आप बोलो द ब्यूटिफुल वर्ड, ये क्या है, वी है, ये क्या है, वी है, दोनों को ज्वाइन करो, सब क्या बनेगा, W बनेगा. बोलो W का मतलब क्या होगा, W का मतलब होगा Why सर, क्यों सर, कहां से आता है सर. चल, तो ये जब अप्रोच आएगा तो हाउ मतलब कैसे डेवलप किया जाता है उसका आंसर हम लोग लिख पाएंगे. सही बात है. पक्का 100%?
एंड फिर सेकंड पार्ट आता है जिसे मैं कहता हूं लॉजिकल थिंकिंग. तो पहला पार्ट होता है नोइंग द बेस एंड सेकंड वन अप्लाइंग द बेस टू गेट एन लॉजिकल थिंकिंग. तो मतलब क्या है, कंसेप्ट क्या है, चलिए बात करते हैं. अभी हम लोग यहाँ पे आके अगर लिखना चाहेंगे आई एम इंटरेस्टेड टू राइट ए प्लस बी इज टू फाइव, बहुत ही डिफिकल्ट एस्पेक्ट होगा हम सबके लिए, ठीक है ना, डिफिकल्ट एस्पेक्ट होगा. तो क्या करेंगे हम लोग, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग वो बेसिक कंसेप्ट पढ़ना चाहेंगे पक्का. लेकिन वो कंसेप्ट में जाने से पहले मैं थोड़ा सा सिंपल और सिंपल क्वेश्चन आप सभी के साथ बात करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ. Where having a square minus b square, where having a square minus b square. तो चलिए ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट तो छोड़ते हैं, 2 मिनट के बाद में वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. जब आप इसे ऑब्जर्व करते हैं, इफ ऑब्जर्विंग दिस पार्ट श्योर, तो वैसे ये फॉर्मूला हमने देखा है इसके पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पक्का देखा है सब बच्चों ने. Anyone can try to reply me that answer? What is a square minus b square? Are you interested to type in and chat? कोशिश कीजिए दोस्तों. Anyone? Anyone can put in the chat? What is a square minus b square? We can see number of students are with us. I don't know. शायद उन्होंने अपने पेरेंट के लॉगिन से किया है, पेरेंट है स्टूडेंट है तो थोड़ा सा बुरा मत मानिए अगर कोई पेरेंट है तो. वी आर ऑब्जर्विंग द टाइटल्स स्टार्टिंग विद ए, वी आर हैविंग अदिति बेटा, दर्शना, दीप, दीक्षा, जितेश, मानसी, नितिन, पालक, प्रदीप, प्रिंस, रॉजर. सिंगल रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम से जब भी हम लोग लेक्चर ज्वाइन करेंगे ना, इट शुड नॉट बी रॉजर गेमिंग, इट शुड बी सम नेम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. शायद आज एक पहला दूसरा इंट्रोडक्टरी सेशन है तो ऑफिस वालों ने आपको एडमिट किया है, ऐड किया है, अदरवाइज ऐसे नाम से लेक्चर में एडमिशन नहीं मिलती. तो बी केयरफुल, जो भी बंदा है प्लीज, जो भी नाम है आपका नाम से अंदर आइए लेक्चर में. देन वी आर हैविंग रोमिता, साहिल, समर्थ, श्रेयस एंड सिद्धि. So we are getting that answers, very good. Number of students are answering us. Good answer, Palak, Swapna, Samartha, Prince. Badiya, very good. I am happy to get such answers. And that answer is, everyone knows that answer. It is A plus B and A minus B. पक्का, ये तो आंसर हमें आता है, पक्का सबको पता है. तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी आपके साथ बात करने वाला हूँ, रिक्वेस्ट है ध्यान से देखिए. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आ गया, बट आई इंटरेस्टेड टू राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो सबसे पहले क्या ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ऐसे कोई बात अवेलेबल है क्या? सर ऐसा कुछ अवेलेबल ही नहीं है. जस्ट देखिए उसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो हमने आंसर दे दिया, हमें पता था मैथ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. लेकिन दोस्तों अभी जो हम लोग देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, क्या हम लोग सोच सकते हैं उसका आंसर क्या आएगा? वी आर गेटिंग फर्स्ट आंसर फ्रॉम आवर आदित्य बेटा, इट इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी. ओके, आई एम जस्ट राइटिंग दैट पार्ट, आई एम नॉट सेइंग इट इज करेक्ट. ओके, वी आर गॉटन फर्स्ट आंसर. एनीवन वांट टू कंट्रीब्यूट टू दैट पार्ट? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देखिए भाई साहब, ओहो वेरी गुड सपना, दैट्स अ वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड आंसर, थैंक यू बेटा जी. तो जो लड़का है तो उसे मैं भाई साहब कहता हूँ, एंड कोई लड़की है तो मैं उसे बेटा जी कहता हूँ. तो वेरी गुड बेटा, बढ़िया आंसर. एंड मैं कह सकता हूँ इट इज अ रेयर केस टू गेट दैट पार्ट, लेकिन वहां तक पहुंचेंगे हम लोग. तो सबसे पहले ये ए प्लस बी इंटू, जो ए प्लस बी दिखाया ना दोस्तों, इसका मतलब होता है दैट नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ब्रैकेट, इट इज ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. एंड प्लीज ऑब्जर्व इट प्रॉपरली, व्हाट इज माय क्वेश्चन?
My question is, what is a square plus b square? I'm not asking what is a plus b bracket square. दोस्तों a plus b bracket square में नहीं पूछना चाहता हूं. I'm interested for a square plus b square. अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई कंसेप्ट क्या है, पढ़ते कैसे हैं और पढ़ाया कैसे जाता है. ध्यान से सुनिए दोस्तों, बढ़िया कंसेप्ट है. मैं आपको अगेन बताना चाहूंगा, आंसर इज ऑन द बोर्ड ओनली. एंड एज अ टीचर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी बहुत एक हैबिट है कि ना मैं हमेशा पहले आंसर देता हूं एंड फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं. फिर वो बच्चे सामने हो, ऑनलाइन में हो, ऑफलाइन में हो, आई एम ऑलवेज हियर टू जस्ट इंश्योर दैट, टू चेक दैट कि वेदर स्टूडेंट कैन थिंक इन दैट डायरेक्शन. दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग व्हाट वी हैव फाउंड आउट फ्रॉम वन ऑफ आवर स्टूडेंट स्वप्ना. वेरी गुड बेटा जी, इट्स अ रियली गुड थिंग. आई एम एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम ऑल अदर स्टूडेंट्स. व्हाट इज दैट पार्ट? सो वो पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है. एंड वो पार्ट क्या है दोस्तों, मैं उसे कहता हूं लॉजिकल थिंकिंग. क्या बात करते हैं सर? लॉजिकल थिंकिंग. ध्यान से सुनिए, क्या बात किया हमने? सो वी डिस्कसिंग अबाउट एंड लॉजिकल थिंकिंग फॉर दिस पार्ट. तो आप सोचेंगे इसमें कौन सा लॉजिकल थिंकिंग का पार्ट अवेलेबल है? तो मैं कहूंगा दोस्तों, सारा आंसर आप ही के सामने अवेलेबल है. सारा आंसर आप ही के सामने अवेलेबल है और हमें ये कोशिश करना है कि क्या हम लोग उसमें कुछ एडजस्टमेंट कर पाएंगे. एंड ये एडजस्टमेंट सीखना is nothing but the answer of our why, and it will give us answer of how. Sure. और वो कहाँ पे है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा. If you observe it, a plus b the whole square. देख रहे सारे बच्चे यहाँ पे, are observing that part? मैं थोड़ा सा नीचे का पार्ट अलग करता हूँ तो दोस्तों आपको और अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा. इसे बाद में हम लोग लेके आएंगे. Sure. इसे बाद में लेके आते हैं, पहले हमने ना a plus b bracket square देखा, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर लिखा. श्योर, अभी अपना इंटरेस्ट कहां पे? वहां पे ध्यान दीजिए. अभी अपना इंटरेस्ट कहां पे? वहां पे ध्यान दीजिए. क्वेश्चन क्या है? मैंने हमेशा बोला है, एक मेरा स्टेटमेंट है, ध्यान में रखिए, न्यूमेरिकल के पीछे मत भागो. ध्यान में रखिए, न्यूमेरिकल के पीछे मत भागो, गो टू बेसिक कंसेप्ट. जितने बेसिक अच्छे होंगे न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व होगा. देखिए दोस्तों, दुनिया में ताला और चाबी, लॉक एंड की अलग अलग नहीं बनते, एक साथ बनते हैं. हर लॉक का एक की होता है. तो जब भी दुनिया में कोई प्रॉब्लम आएगा तो समझ जाने का सॉल्यूशन है वहां पे. लेकिन क्या हम लोग सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से देख सकते हैं? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, जिसे हम लोग कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग. मतलब क्या, यहाँ पे देखते हैं सर. अभी अपने पास है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर एंड दूसरा है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर. तो मैं अभी और एक पार्ट रब करता हूं, फिर चेक करते नीचे आते हैं. अभी मैंने एक ही रखा आप सबके सामने एंड क्वेश्चन क्या है उसे देखिए. अभी और क्लियर पिक्चर है आपके लिए. सर अभी हमें ढूंढना है a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये वो आंसर नहीं है. तो खुद से ढूंढने की कोशिश कीजिए कि जो हमें चाहिए क्या हम लोग उसे देख पाते हैं. सही बात है. तो हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए सर ए स्क्वायर का टर्म और दूसरा हमें चाहिए बी स्क्वायर का टर्म. तो जो अपने पास अवेलेबल है वहां पे आके देखिए क्या है वहां पे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो वी आर हैविंग एन टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज ए स्क्वायर एंड दूसरा टर्म है बी स्क्वायर. पक्का? दैट इज इंपॉर्टेंट. अभी मैं एक छोटा सा एक मिनट का एक आपको छोटा सा स्टोरी सुनाता हूं, फिर आपको मेरा कहने का मतलब समझ में आ जाएगा. भाई साहब, हम लोग जब कहते हैं अरे हाँ तो दगड़ है, क्या कहते हैं मराठी में, थोड़ा सा स्टेटमेंट देता हूं मैं, हाँ तो दगड़ है, वी आर ऑब्जर्विंग एन स्टोन. और कोई दूसरा होता है वो कहता है अरे इसमें भगवान है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन. तो वही वो स्टोन को देता है एंड उसमें से टिक 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 करके जो नहीं चाहिए वो निकाल देता है एंड उसमें से जो हमें अच्छा चाहिए वो एक खूबसूरत जो भी मूर्ति होगी, मूरत होगी, स्टैचू होगा, जो भी, उसमें से ऑब्टेन करता है. मतलब बाकी जन को क्या लगता है? वो स्टोन लगता है उसको, उसमें से कुछ अच्छा स्टैचू, कोई भगवान की मूर्ति और कुछ अलग से सोच सकता है.
This is the methodology what I'm always interested to ask my student to apply in the subject. What is that methodology? What is that concept? That concept is here. We are interested to find out the answer of a square plus b square. And I'm happy. Well, got an answer from Diksha Beta. Very good. We have got another answer from our second girl. Very good, Beta Ji. And she has answered a square plus b square ka answer. Yahan se usne dhoonda. तो चलिए दोस्तों, ढूंढते कैसे है, सोचते कैसे, वो थोड़ा सा बात करते। हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हमें क्या नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए 2ab। तो अगर हमें 2ab नहीं चाहिए तो वैसा आप उसे शिफ्ट करो, कहां पे शिफ्ट कर सकते हैं? सो वी आर हैविंग टू साइड्स, एक है LHS, दूसरा है RHS। अभी RHS में कोई टर्म नहीं चाहिए तो एक तो उसे हम लोग डिविजन में भेज सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द साइन। अब यहाँ पे चेक करते हैं कौन सा साइन है, बोलिए दोस्तों, विच साइन इज अवेलेबल, वेदर इट इज ऑन मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, कौन सा साइन है? तो दोस्तों यहाँ पे है साइन प्लस का, एडिशन का। तो भाई साहब, ये जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या मिलेगा हमें? तो मिलेगा माइनस। तो हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, शिफ्टिंग दिस टर्म ऑन राइट हैंड साइड इज माइनस टू ए बी, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन सिंपल फैशन what we can say, we are interested to write the first answer, yes, the first answer of a square plus b square, and that answer is a plus b bracket square minus 2ab. This is a methodology to get an answer. This is a methodology to extract something what we require from the data. Main hamesha bolta bachchon ko, there is a word which is called as an extra ordinary. All of us are ordinary. Try to find out something extra from us. Try to dig it out. शायद अब तक हमें आदत नहीं है टेंथ तक क्वेश्चन करने की, बात करने की, पूछने की। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, चेंज योर मेथडोलॉजी, मुझसे पूछो, बाकी कोई डांटते तो वह सर से पूछो, वाय सर क्यों आएगा सर, कैसे करेंगे सर, और फिर इसका जब आंसर हमें मिलेगा तो उससे जो एक मजा आता है सब्जेक्ट पढ़ने में और पढ़ाने में वो आपको महसूस होगा सर। लेकिन जब हम लोग ऐसे कुछ लिखते हैं तो मन में और कुछ इच्छाएं होती है और हम लोग सर को कहते हैं, सर बस इतना ही, क्या और कुछ हम लोग कर सकते इस पे, क्या और कुछ हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कुछ ऐड करना चाहते हैं? तो आई एम गिविंग एन हिंट टू ऑल ऑफ यू, दोस्तों ध्यान से देखिए, दिस इज द फर्स्ट आंसर, लिसन माय वर्डिंग वेरी केयरफुली, दिस इज द फर्स्ट आंसर जो हमें मिला, बट आई एम ऑल्सो हैविंग एन फॉर्मूला a minus b bracket square. What I having? A minus b bracket square, and that a minus b bracket square is a square minus 2ab plus b square. Sure? And abhi aap sare bachcho se request hai, think like Joshi sir. So Joshi sir hame kya padhate? Wo maths nahi padhate, wo hame padhate bhai sochte kaise hai? कि जब हमें कोई चीज चाहिए तो क्या हम लोग उसमें से वो ढूंढ सकते हैं, क्या हम लोग उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं? कमान दोस्तों, क्या ऑब्जर्व करते हैं आप यहाँ पे, ध्यान से देखिए, बहुत प्यार से देखिए, क्या आपकी आंखों को कुछ दिखता है? मैं अनेक वेळा प्रेमाने म्हणतो, मराठी भाषेत शब्द वापरतो, उघडा डोळे बघा नीट, इट्स नॉट एबीपी भाषा, इट इज अवर मॅथ्स, इट इज अवर सब्जेक्ट, इट इज अवर सायन्स। ध्यान से देखिए दोस्तों, पता चलेगा क्या हम लोग कुछ ढूंढ सकते हैं। हमेशा खुद से पूछने का, हमें क्या चाहिए? सो वी रिक्वायर ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, तो जो चाहिए उसको अंडरलाइन करो, ये हमें चाहिए। वी रिक्वायर ए स्क्वायर, वी रिक्वायर बी स्क्वायर, है कि नहीं भाई साहब? अपने पास वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या नहीं है हमारे पास, क्या नहीं चाहिए? व्हाट वी डोंट वांट, वी डोंट वांट माइनस टू ए बी, उसको शिफ्ट करना पापा यहाँ पे, आर यू गेटिंग मी? ये नहीं चाहिए हमें, इट इज नॉट रिक्वायर्ड पार्ट, तो उसे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? इट विल बी रिटन एज ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू ए बी, सो दिस इज अगेन एन आंसर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, दिस इज इट्स फर्स्ट आंसर, एंड सेकंड आंसर अभी हम लोग क्या दे सकते हैं? इट इज ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू ए बी, इट इज सेम आंसर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, श्योर? एंड दोस्तों इसे बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए एंड खुद से पूछिए, क्या हमने कुछ नया किया,
क्या मैंने आपको कोई नया फॉर्मूला पढ़ाया? मैंने कुछ आपको नई चीज दिखाई? नहीं दोस्तों, वी आर नॉट डूइंग एनी इन्वेंशन। हम लोग वही पढ़ रहे हैं जिसे कहते हैं मैथ्स। वो बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ हम लोग कैसे डील करते हैं ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। तो अब तक हमें फॉर्मूलाज याद आते थे, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एंड ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का। हमें अब तक फॉर्मूला आता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। लेकिन अगर कोई पूछता था व्हाट विल बी द आंसर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो शायद इसके पहले अपने पास आंसर नहीं आते थे, लेकिन अभी आंसर आ सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? वेरी गुड, दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर्स व्हाट वी आर हैविंग विद अस। प्लीज देखिए एंड प्लीज मुझे बताइए, हैव यू गॉट अ मेथोडोलॉजी? बोलिए ये आंसर कैसे आया, ये आपको कंसेप्ट समझ में आया क्या? प्लीज रिस्पॉन्ड मी, हैव यू अंडरस्टूड कि भाई साहब इसमें से एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो कैसे ढूंढा जा सकता है? आई एम एक्सपेक्टिंग योर रिस्पॉन्सेस इन द चैट। प्लीज रिस्पॉन्ड मी, यस सर या नो सर, पक्का प्लीज बताइए। आई एम इंटरेस्टेड फॉर योर रिस्पॉन्सेस इन द चैट। प्लीज दोस्तों, दैट इज अ रिक्वायरमेंट। तो हम लोग चेक करते हैं कि सारे बच्चे सच में वहां पे लाइव है कि नहीं है, कनेक्टेड टू द बैच और नॉट। श्योर? प्लीज रिस्पॉन्ड अस। थैंक यू, थैंक यू मित्र, बढ़िया। तो व्हाट आर वेटिंग फॉर? मैं अगेन यहां पे एक फॉर्मूला लिखता हूं एंड आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्सेस। नक्की करते हैं कारण एक दो मिनट मैं पक्का। आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक, स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।